राम राम जी, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है सोनिया बुटीक पे। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद हम स्टिचिंग की वीडियोस दोबारा डालना स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का इतना ज्यादा बोलने के बाद। तो उसके लिए सॉरी भाई, जो हम बीच बीच में गायब हो जाते हैं क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उस तरफ भी ध्यान देना होता है। और अगर मैं सिर्फ वीडियोज पे ध्यान दे दूँ, काम पे ना ध्यान दूँ, तो आप लोगों की फिर शिकायतें हो जाती हैं कि मेरा सूट लेट हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हम चल रहे होते हैं, तो स्टिचिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट उसमें आएगा परफेक्शन, ये बात की गारंटी होती है। ठीक है, तो आज की जो स्टिचिंग की वीडियो है उसमें आप लोग के साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट डिजाइन शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप भी हमारे यहाँ पे अपने सूट स्टिचिंग के लिए भेज सकते हैं, आप खुद भी विजिट कर सकते हैं। आपके पास जो सूट्स घर पे रखे हैं आप वो भी हमारे पास भेज सकते हैं, या आपने कहीं और से परचेज करे हैं वो भी आप हमारे पास भेज सकते हैं, और आप हमारी ही सूट्स की वीडियो से भी परचेज करके हमारे पास ही सिलवा भी सकते हैं। तो कलेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं आज का, कलेक्शन नहीं डिजाइन दिखाना कि किसने क्या चीज कैसे बनवाई है। ठीक है, डिजाइन टोटली डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर, वो हमें कितनी परमिशन देता है क्या करने की। किसी को बिल्कुल सिंपल चाहिए होता है, किसी को बिल्कुल बहुत हाई फाई डिजाइनर चाहिए होता है, और किसी को सिर्फ पाइपिंग चाहिए होती है, किसी को पाइपिंग भी नहीं चाहिए होती है। तो अलग अलग टाइप का है सारा सिस्टम। ये देखिए, ये हमारे ही कलेक्शन का है, बिल्कुल सिंपल सोबर गर्मी में डालने का पीस है, और ये रेडीमेड फिटिंग में बनता है, लूज फिटिंग में। इस डिजाइन के ये नहीं पता हम कितने सारे पीसेस बना चुके हैं। ऊपर आपका इस तरीके से जेंट्स कॉलर बन जाता है, इसमें ये वाला जेंट्स कॉलर बन जाता है। यहाँ पे ये बॉटम के फैब्रिक की इस तरीके से हमने तीन पट्टी दे दी है जो कि नेक पैनल का काम कर देती है। यहाँ पे हमने साइड में दे दी है पॉकेट, क्योंकि शर्ट का फैब्रिक थोड़ा सा कम था, बॉटम में भी देना था, तो उस वजह से हमने सेम ही कलर में कॉटन का फैब्रिक मैच करके उसकी हमने पॉकेट्स दे दी हैं, ताकि अलग भी हो, डिफरेंट भी दिखे कि हाँ यहाँ पे बॉटम सॉरी पॉकेट्स हैं, और बॉटम के फैब्रिक की यहाँ पे पतली सी पट्टी लगा दी है इस तरीके से। नीचे हमने दिया है घेरा गोलाई में, ठीक है, घेरा गोलाई में दिया है, ये वाला सोबर सा मस्त सा आ जाता है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। और इधर में आ जाती है ये वाली बाजू, ये देखिए ये बाजू आ जाती है, बेल स्लीव्स करी हैं, बेल स्लीव्स करी हैं, और बेल पे यहाँ पे ये देखिए ये दो पट्टी हमने इस तरीके से दे रखी हैं जो बॉटम वाले फैब्रिक की हैं। ये वाला सूट मैंने अपना बनवाया था, सेम की इन्होंने डिमांड करी कि मुझे तो वही वाला डिजाइन चाहिए है इस सूट में, तो इस तरीके से। और नीचे ली है इन्होंने अफगानी, ये वाली, ये अफगानी बॉटम रेडी हो गई है इस तरीके से। ये बहन है पूजा, माजरा गाँव से, दिल्ली में ही है, हमारे पड़ोस में ही पड़ता है, माजरा गांव से है ये पूजा। ये वाला बॉटम का शर्ट का फैब्रिक यहाँ लगाया है, और नीचे ये वाली फ्रिल लगाई है। ये फ्रिल जब पैर पे आती है तो बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है, बिल्कुल बारीक सी है, कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल हाफ इंची से भी आपका कम ही रहने वाला है। तो इस तरीके से है ये वाला, ठीक है। अब दिखाते हैं आगे, ये वाला, ये देखिए, ये कस्टमर ने खुद ही दिया था, ये हमारे कलेक्शन का नहीं है, लेवेंडर शेड में है, जाम कॉटन का फैब्रिक है। ये नेक पे इनका ऑलरेडी इस तरीके से ये वाला ड्रॉप का डिजाइन बनके और ये वाले टेसल्स लगे हुए थे। यहाँ पे ये लेस दे रखी थी आउटलाइन में, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा है गले पे, ये ऑलरेडी डिजाइनिंग थी। कस्टमर का कहना था कि बाजू पे, गले पे और मुझे पैंट पे डिजाइन चाहिए है सोबर सा, क्योंकि ये टीचर है, वर्किंग है, और भगवान की दया से मेरे 90% कस्टमर जो है वो टीचर हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये देखिए, ये आ जाता है घेरे पे, क्योंकि पूरे सूट पे फ्लावर हैं, तो हमने यहाँ पे फ्लावर ही हाइलाइटिंग में दिए हैं, लेस ना फ्लावर वाली दी है इस तरीके से हाइलाइटिंग में, ताकि अलग ना डिफरेंस हो, अलग ना लगे और सुंदर भी लगे। और रानी मजेंटा कलर की पाइपिंग दे दी है, ये वाला रानी शेड उठा करके इस तरीके से, ये देखिए गुम में इस तरीके से पाइपिंग दी है, ये वाली गुम करके साइड में स्लीव्स दी है इस तरीके से, हल्की सी जो है वो लूज करके, और इस तरीके से कर्व दे दिया है ये वाली शेप में, और यहाँ पे लगा दी है ये वाली लेस। आप लोगों ने देखा होगा ये लेस वाली बाजू मैंने ऐसे ही डाली हुई थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी और कंफर्टेबल भी लग रही थी, बिल्कुल डिफरेंस। ये लेस जब बाजू पे आती है, हाथ पे आती है, तो अलग ही लुक आ जाती है इस तरीके से। अब इन्होंने बॉटम पे बोला था कि बॉटम पे भी हल्का फुल्का सा डिजाइन करना सोबर में, तो ये हमने करा है बॉटम पे, ये लेस जो है ना वो इंसर्ट कर दी है, बीच में इंसर्ट कर दी है इस तरीके से। और ये है सुनीता बहन, है कंजावला गांव से, ठीक है, कंजावला से है ये वाली बहन। ये देखिए इस तरीके से, ये स्टार वाली लेस है, ये वाली स्टार वाली, और ये पैंट में बीच में इंसर्ट कर दी है इस तरीके से, ये वाली इनकी पैंट हो गई है, विदाउट इनर सूट बना है, बहुत सिंपल सोबर सा। तो आप अपने सिंपल सूट को भी बहुत सुंदर डिजाइनर बना सकते हैं, बनवा सकते हैं।
आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी हमसे स्टिचिंग करा सकते हैं। ये देखिए, ये बहन है मंजू रेवाड़ी से, मंजू बहन है ये रेवाड़ी से। तो ये देखिए, इन्होंने ये मेरे जैसा बनवाया है, ये सेम पैटर्न मैंने डाला था। अभी इस पे बटन्स लगने पेंडिंग है, अभी इसमें ना यहाँ पे बीच में बटन्स लगेंगे पैरट शेड के, वो वाले अभी बटन्स इसके पेंडिंग हैं। बाकी इस तरीके से ये वाला सूट आपका बन गया है। ये देखिए, यहाँ पे जो ये जेंट्स कॉलर लगने के बाद जो पट्टी आई वो हमने दी है बॉटम वाले फैब्रिक की, ताकि हाईलाइट हो। जो नीचे वाला दिया है, क्योंकि ये भी दिखता है भाई गले में, तो ये भी हमने पैरेट का ही दिया है बॉटम वाले फैब्रिक का। बाजू पे हमने इस तरीके से ये वाला बाटिक का ही बॉटम वाले फैब्रिक का इस तरीके से ये कफ दे दिया है। सोबर में टेस्ट चाहिए है, इस तरीके से ये वाली बाजू आ गई है। और यहाँ पे बटन्स लग जाएंगे तो फेक ओपनिंग वाला लुक आ जाएगा। थोड़ा सा ए शेप में दिया है सूट को, ये देखिए, यहाँ से आपकी हिप हो जाती है, ऊपर देखो, यहाँ से आपकी हिप हो जाती है, और ये वाला ए लाइन में जो है वो आपका सूट आ जाता है। हल्का सा ए लाइन है, ज्यादा नहीं है। यहाँ से ये फ्रंट में स्लिट ओपन है, ये फ्रंट स्लिट आपका इस तरीके से ओपनिंग आ जाती है, ताकि ये चीज बहुत सुंदर लगती है चलते टाइम। और ये आ जाती है इनकी पैंट, ये देखिए, ये पैंट आ जाती है इस तरीके से विदाउट इनर, सिंपल सी, क्योंकि बाटिक में है तो बहुत सुंदर लगती है सिंपल ही। ऑलरेडी इस पे बहुत सुंदर वाला डिजाइन हो गया है। अब ये देखिए भाई, इसमें हमने बहुत ही क्रिएटिव वर्क हुआ है, बहुत सुंदर सा। आप सब बताइएगा कैसा लगा। ये देखिए, ये है हकूबा में ये वाला फैब्रिक, और इसमें फ्लावर्स हैं थोड़े ब्रॉड साइज के, ये वाले ब्रॉड फ्लावर्स थे इस तरीके से, ये वाले इस तरीके से ट्रांजी। तो इसमें इनर तो देना ही था, अगर इसमें हम ये वाला पर्पल शेड का, वाइन शेड का इनर दे देते तो ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये पूरी वाइंड अप हो जाती, ये दिखती ही नहीं, ये पूरा दब जाती। तो हमने इसमें दिया, हमने कस्टमर से पूछा कि करना क्या चाहिए, उन्होंने बोला आप देखो, आप कर दो जैसा अच्छा लगे। तो मुझे इसमें पर्सनली ये वाला वाइट इनर दे करके तो ये चीज ज्यादा खिलके आई है, बहुत सुंदर सी लगी है, डिफरेंस हो गया चीज में, बिल्कुल डिफरेंट जो है वो आपका पीस इस तरीके से रेडी हो गया है। और ये वाला रेडीमेड में उन्होंने नेक कराया है, छोटा वाला बैक नेक छोटा है, और बाजू बेल शेप में दी है इस तरीके से, ये देखिए बेल शेप में जो है वो बाजू है, और बाजू में इनर नहीं दिया है, बाजू में इनर नहीं दिया है, सिर्फ शॉर्ट में इनर दिया है फ्रंट बैक में। और ये आ गई है इनकी बॉटम, ये देखिए ये बॉटम है। ये बहन भी सुनीता है कंझावला से। अब ये जो प्लाजो के फैब्रिक आते हैं मार्केट में बहुत हैं ये वाले प्लाजो के फैब्रिक, इसमें नीचे ये वाला वर्क जो था वो कटवर्क में था, बट ऐसे नहीं था, ये स्ट्रेट फैब्रिक था व्हाइट वाला प्लेन यहाँ तक। तो उन्होंने बोला कि इसको इसी तरीके से पलटना है जैसे कटवर्क है। तो ये देखिए, जहां पे जैसे कटवर्क घूमा, जैसे जितना बड़ा कटवर्क था, जैसे जिस तरीके से घूमा उसको उसी तरीके से फिनिशिंग करके अंदर में व्हाइट फैब्रिक का जो है वो बॉर्डर दे दिया है, ये वाला, ठीक है। और व्हाइट है तो उसमें इनर तो देना पड़ेगा, और इस जैसे इतने हैवी फैब्रिक में ये देखिए हम बिल्कुल मल कॉटन का इनर देते हैं, तो इसीलिए जैसा इनर लगता है उसके अकॉर्डिंग स्टिचिंग हो जाती है। किसी में बहुत हैवी इनर देना पड़ता है, किसी में बहुत हल्का इनर देना पड़ता है। तो इस तरीके से बताइएगा जरूर आप लोगों को ये चीज कैसी लगी, ठीक है। ये देखिए, अभी इनकी सलवार रेडी नहीं हुई है, ये सिर्फ कमीज रेडी हुआ है इस तरीके से, ये वाला, ये ऑल ओवर नहीं, प्रिंटेड शर्ट और प्लेन बॉटम थी प्योर क्रेप में, मेरे ही कलेक्शन का है। तो इन्होंने बोला कि शर्ट प्लेन बनाओ और बॉटम को प्रिंटेड बनाओ, तो उसी तरीके से हमने, ये देखिए, ये जो प्रिंटेड फैब्रिक आपको दिख रहा है ना, ये वाली बॉटम थी, सॉरी ये शर्ट का फैब्रिक था, बट इन्होंने इसको बॉटम में लिया है, और बॉटम में से हमने ये वाला फैब्रिक निकाल करके थोड़ा सा ये वाली दो पट्टी हमने बेल स्लीव्स दे करके दो पट्टी हमने बाजू पे दे दी है इस तरीके से, ये वाली, ये बाजू हो गई है। और गले पे हमने यहाँ पे ये बॉटम वाले फैब्रिक का बर्फी दे करके, और ये दो कलर के हमने पोटली बटन्स दे दिए हैं, क्योंकि जो बॉटम वाला फैब्रिक अब जो बनेगा बॉटम वाला फैब्रिक, उसमें दो कलर्स हाईलाइट हो रहे हैं, एक ये लेमन शेड में और एक ये पैरट शेड में, तो दोनों ही शेड का हमने यहाँ पे ये वाले पोटली बटन्स दे दिए हैं। सोबर में डिजाइन भी हो गया है और वर्क भी हो गया है, और बॉटम इनकी ये वाली प्रिंटेड बनेगी, अभी बॉटम रेडी नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं शर्ट ही दिखा देती हूँ।
तो बताइएगा जरूर सोबर में किसको ये वाला डिजाइन पसंद आया। ये हमारी कलेक्शन का है जिसमें प्रिंटेड शर्ट होती है और प्लेन बॉटम होती है। इन्होंने अपोजिट करा है, वो चीज मैं भी बोलती हूँ कि आप अपना करवा सकते हो, आप बस मुझे हिंट दीजिए, बाकी काम मेरा हो जाता है। ये देखिए ये वाला। अब ये बहन है, ये बहन है भाई खानपुर, कौन है ये? ये शायद से तुषार खानपुर है भाई, तुषार है ये खानपुर से। ये देखिए इसमें मैंने सिंपल सोबर पीस बनाया है बिल्कुल सा, इसमें पाइपिंग नहीं डाली है क्योंकि जयपुरी कॉटन है और प्रिंटेड है। ये देखिए ये वाला यहाँ पे पान शेप में इसका नेक दे दिया है, बहुत फिनिशिंग के साथ में नेक को पलटा गया है ये वाला। और नेक या बॉटम के पहुंचे या कुछ भी हम उससे नहीं बनाते हैं भाई, बुकरम से नहीं बनाते हैं, हमारे जो यूज होती है वो फ्यूजिंग होती है। ये देखिए बाजू पे, ये बाजू पे मैंने कफ डलवाया है थोड़ा इस तरीके से कर्व में, ये वाला बाजू पे कफ डलवाया है। ये फैब्रिक है बॉटम का, ये बॉटम के फैब्रिक से इस तरीके से कफ बन गया है, तो कि अलग सा लग रहा है, बिल्कुल सुंदर सा दूर से ही देखने में हाईलाइट हो रहा है। और ये आ जाती है इनका, ये आ जाती है बॉटम, इस तरीके से लाइनिंग पैटर्न पे थी बॉटम, और सूट के साइड में ये वाले बॉर्डर्स दे रखे थे अलग से, तो इन बॉर्डर्स को निकलवा के और ये लगा दिए हैं पोंचे पे, ये पोंचे पे लगे हैं भाई इस तरीके से। ये वाला ये सूट आपका सिंपल सोबर में भी सुंदर सा डिजाइन हो सकता है। अब ये देखिए ये 890 वाला सूट है, बट ये लग उससे बहुत ज्यादा सुंदर रहा है, इसमें जो डिजाइनिंग कराई है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ये देखिए ये बहन है झज्जर के पास बराना गांव से, झज्जर के पास बराना गांव से है ये बहन मनीषा हुड्डा। ये देखिए आज खुश हो जाएगी ये अपना सूट देख करके, यूं करी मेरे 9-10 सूट हैं, कब देगी, इस सीजन में मैं पहन लूंगी। ये देखो बहन ये आपका छोटा सा नेक दे दिया है, ब्लैक कलर की बॉटम है, ब्लैक कलर की पाइपिंग दे दी है ये वाली, सिंपल सोबर सी बहुत सुंदर सी। ये टाई पट्टी आपकी जोकी तो रख दी है। नीचे आते हैं, ये देखिए ये आपका घेरे पे बॉर्डर था, साइड में ब्लैक कलर की पाइपिंग डाल दी है, ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ में ये वाली ब्लैक कलर की पाइपिंग डाल दी है, विदाउट इनर, सिंपल सोबर सा सूट है। ये आपकी आ जाती है बाजू, बाजू पे भी हमने ये वाली पाइपिंग डाली है गुम करके, अब इसमें डिजाइन बहुत सुंदर सा कहाँ पे हुआ है। ये देखिए ये आ जाती है बॉटम, ये आ जाती है इसकी बॉटम, इसके बॉटम पे एक लेस तो मैंने यहाँ पे ये वाली इंसर्ट करा दी है जो पोंचे पे बिल्कुल नीचे लगती है, जो पैर पे आएगी, जस्ट फ्रिल का काम करेगी, इस तरीके से ये वाली लेस लगवा दी है, और एक लेस जस्ट पोंचा जब खत्म हो रहा है तो वहां पे इंसर्ट करा दी है ताकि और अच्छा लुक आए, और एक लेस जो यहाँ पे कट दे करके, और ये ट्रांजी है, ये लेस जो है वो ट्रांजी रहेगी, यहाँ पे ये वाली लेस ट्रांजी नहीं रहेगी, ये वाली लेस ट्रांजी रहेगी, इस तरीके से ये वाली बॉटम इनकी रेडी हो गई है। ठीक है भाई, ये वाला बताइएगा जरूर आप लोगों को डिजाइनिंग कैसी लगी, किसका सूट कैसे रेडी हुआ है जरूर बताइएगा, और कौन कौन अपने अपने सूट्स को देख करके खुश हुआ, किस किस को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग को कलेक्शन कैसा लगे, आप लोगों को डिजाइनिंग कैसी लगी, कौन कौन अपने सूट्स जल्दी जल्दी स्टिच कराने आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है वही आप कर सकते हैं, इंडियन हो या वेस्टर्न हो, कैसी भी कोई भी ड्रेस है आप वही हमारे पास सिलवा सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सोनिया बुटीक बवाना दिल्ली।